दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। विल्किस वानों का प्रकरण फिर शुरू हो गया है और 11 आरोपियों को कोर्ट द्वारा उन्हें सरेंडर करने की बात कही गई है। कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, जिस तरीके से ये बातें फिर उभर कर आई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, 2024 के पहले पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, ये बेहद ऐतिहासिक है और आधी आबादी को न्याय दिलाने वाला है। जहां एक तरफ भाजपा और भाजपा शासित राज्यों में बलात्कारियों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया जा रहा है, वहीं कोर्ट ने ये जनमानस में एक आशा की किरण के रूप में ये फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। जनता को इस बात की आस बंधी है कि न्याय होगा, सरकार अन्याय करेगी लेकिन कोर्ट हमारे साथ खड़ा होगा, कोर्ट न्याय करेगा। क्योंकि एक तरफ जहां बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, काशी में हम बैठे हैं, काशी में 2 महीने तक गैंग रेप के आरोपी जो भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी थे, उनको बचाने का काम बीजेपी ने किया और उनको भी महिमा मंडित किया, उनको विधानसभा के पदाधिकारी से महानगर का पदाधिकारी बना के उनको पदोन्नत किया। उसी तरीके से कठुआ गैंग रेप जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, भाजपाई बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाल कर उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। सेंगर को 3 साल तक, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो 3 साल तक बचाते रहे और जब वो जेल गए उसके बाद क्या स्थिति हुई कि वो जो पीड़िता थी और उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। हम इस बात के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं कि भाजपा जो है वो बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों और आरोपियों को बचाती रहती है और इनकी साठगांठ है अपराधियों के साथ। इस बात को स्थापित किया है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के उस आरोपी को कहीं से भी उनको माफ़ नहीं किया जा सकता और उनको पुनः जेल भेजा जाए। और उसने लताड़ लगाई है भाजपा की जो गुजरात की सरकार है उसको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। बिल्किस बानो वाकई शेरनी है जिसने अपने ऊपर दुर्दांत उस घटना को झेलने के बाद भी वो आधी आबादी की असमत की लड़ाई लड़ रही है और अंततोगत्वा उसको विजय मिली है और हम उसको नमन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद देते हैं कि उसने न्याय किया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको बेल मिला था तो उन्हें माला पहनाकर बीजेपी द्वारा स्वागत किया गया, अब क्या होगा? क्या उनको फिर उसी तरीके से स्वागत करके उनके कोर्ट के पीछे या सलाखों के पीछे भेजा जाएगा तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी फिर सम्मान उसी तरीके से करेगी? मैं वही कह रहा हूँ ना, बलात्कारियों का सम्मान, अपराधियों का सम्मान, भ्रष्टाचारियों का सम्मान, गुंडा माफियाओं का सम्मान, यही तो भाजपा करती आई है और जनता के साथ अन्याय करती आई है। सवाल ये उस टाइम भी हमने उठाया था कि क्या कारण है कि जो जघन्यतम अपराध करने वाले लोग हैं, गैंगरेप करने वाले बलात्कारी हैं, उनको सम्मान करने में भाजपा को कौन सा मजा मिलता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि सारे बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी भाजपा के ही साथ खड़े हैं। तो वो अपने भाइयों का नहीं सम्मान करेंगे, अपराधी का सम्मान तो करेगा ही। तो पूरी भाजपा अपराध की मानसिकता से ग्रस्त है, भ्रष्टाचार की मानसिकता से ग्रस्त है, बलात्कार और जघन्य कृत्यों के प्रति उनका रुझान है। यही कारण है कि वो बलात्कारियों का सम्मान करते हैं। जिसके अंदर सदाचार का गुण होता वो उन बलात्कारियों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता, लेकिन भाजपाई फक्र महसूस करते हैं भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, अपराधियों के साथ खड़े होने में। अच्छा, आपकी क्या राय, व्यक्तिगत राय मानी जाए तो ये जो निर्णय आया है उसको आप क्या कहेंगे? बेहद ही ऐतिहासिक निर्णय है और आधी आबादी के हित में न्याय का ये निर्णय है और इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि 2024 न्याय के लिए जाने जाने वर्ष है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, न्याय यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर की बहनों को भी ऐसे ही हम न्याय दिलाएंगे और जो BHU में गैंग रेप हुआ वहाँ भी उस बेटी को भी न्याय हम दिलाएंगे और ये पूरा 2024 का जो साल है वो न्याय के लिए जाना जाएगा और जो अन्यायी नरेंद्र मोदी सरकार है जनता भी न्याय करेगी, उनको यहाँ से उखाड़ फेंकेगी और उन न्याय का राज स्थापित होगा और भाजपा का अंत होगा।
ठीक है, तो कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी ने बिगुल फूंक दिया है कि 2024 न्याय का समय होगा और हर लोगों को न्याय मिलेगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।